मेरे प्यारे मित्रों, तो आज अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश ट्रिक के माध्यम से, जो कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, तो पहला देखिए, वन हु डिवोटेड टू द प्लेजर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने व पीने के लिए कुछ भी कर दे, यानी बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो उसको क्या कहेंगे? एपिक्योर। इसको कैसे याद रखें? अब मित्रों, कोई खाने वाने पे खाता है तो फिर वो क्या कहता है, एक पिक ले लो मेरी, यानी क्या हो जाएगा, इससे एपिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु इंगेजेस इन एनी थिंग फॉर द लव ऑफ इट नॉट फॉर गेन, यानी जो अपने शौक के लिए मतलब कुछ भी कर ले, तो इसको क्या कहेंगे, एमेच्योर, यानी लोग कहते हैं ना कि ये मैच्योर नहीं हुआ है, ये सब कुछ कर लेगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, यानी मतलब प्लेजर के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, हेडोनिस्ट हो जाएगा। तो अब वो लोगों के हेड को क्या करता था, नष्ट कर देता था अपने जीवन में आनंद के लिए। नेक्स्ट मित्रों, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन एनदर, तो जो अपनी कंट्री से और कहीं सेटल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, माइग्रेट्स या माइग्रेटरी। अब अपन कॉलेज या स्कूल में माइग्रेशन लेने जाते हैं, तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी जो अपने पैरों से चलता है, यानी फुटपाथ पे तो चलता है, तो उसको क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन। इसको कैसे याद रखें? अब देखिए, ये एक फुटपाथ है, यहाँ पे पेड़ लगे थे, यहाँ पे एक ट्रेन चल रही थी, तो इससे क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन, तो क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी जो मतलब सोते हुए चलता है, उसको क्या कहेंगे, सोमन एम्बुलिस्ट हो जाएगा। अब व्यक्ति कोई सोते हुए चलेगा, नींद में चलेगा, जब वो चलेगा तो उसका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। जब एक्सीडेंट होगा तो क्या, उसको एम्बुलेंस लेने आएगी, एम्बुलेंस से हो जाएगा एम्बुलिस्ट, यानी सोमन एम्बुलिस्ट हो जाएगा। वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी जो सोते में बोलता है, तो क्या हो जाएगा, सोमन यानी सोना, लोक्वेंट यानी बोलना, तो क्या हो जाएगा, सोमनी लोक्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु इज अपॉइंटेड बाई पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स, तो क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेटर हो जाएगा। आर्बिट्रेटर मतलब ये होता है कि जो दो पार्टियों है, दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट बिठाए, उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल एज, जो आपने थ्री इडियट मूवी देखी है उसमें जो वायरस होता है, यानी दोनों हाथों से लिखने वाला या कोई भी काम करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाएगा। तो वो डेस्क पे दिख रहा है आपको, डेस्क, तो क्या हो जाएगा, वो डेस्क पे बैठा था और आराम से, वो कह रहा था आई एम आराम से लिख लेंगे, तो इसे हो जाएगा एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट मित्रों, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं, जो रूढ़ीवादी व्यक्ति होता है ना, जो सोशल लाइफ को नहीं मानता है, तो उससे कहेंगे बोहेमियन। इसको कैसे याद रखें? अब लोग कहेंगे बो रहा वो मैन, क्या हो जाएगा, बोहेमियन हो जाएगा इससे। नेक्स्ट मित्रों, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो आदमी का मांस खाता है, तो कैनिबल। इसको कैसे याद रखें? एक कैन में बलपूर्वक एक आदमी को भर दिया और उसके मांस को खाने लग गया, तो कैनिबल हो जाएगा। वन हु ईट्स वेजिटेशंस, यानी शाकाहारी, तो क्या हो जाएगा, हर्बी वोरोस। अब शाकाहारी लोग अरबी वगैरह खाते हैं, तो अरबी से क्या हो जाएगा, वोरोस यानी खाना, तो हर्बी वोरोस हो जाएगा। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ओमनीवोरोस। अब ओमनी एक वैन होती है, उस वैन में बैठ के वह सब कुछ खा रहा था, तो ओमनीवोरोस हो जाएगा। ये टॉक्स बिटवीन टू, यानी दो लोगों के बीच की बात क्या हो जाएगी, डायलॉग हो जाएगा। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी पहले कोई तैयारी नहीं करी, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेम्पोर। अब यानी एक व्यक्ति जल्दी से टेम्पो से आया और वो स्पीच देने लग गया, तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी थी। नेक्स्ट मित्रों, ए स्पीच मेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, यानी शुरुआत की स्पीच, प्रो यानी पहले, लोग्यू यानी बोलना, तो प्रोलोग्यू यानी पहले की स्पीच, और एपीलोग्यू यानी क्या हो जाएगा, बाद की स्पीच, यानी ए स्पीच मेड एट द एंड ऑफ द प्ले हो जाएगा। वन न्यू टू एनी थिंग, यानी कोई भी काम करने के लिए जो नया हो, तो नो वॉइस। अब वो नया नया व्यक्ति कह रहा था कि बिल्कुल भी वॉइस मत करो, तो क्या हो जाएगा, नो वॉइस हो जाएगा। उसके अगल बगल में टायर भी रखे थे, जब टायर रखे थे तो कोई कार के हॉर्न भी रखा होगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हॉर्न भी हो जाएगा, टायरो भी हो जाएगा, और नए रे, उनने कही कि हम नए रे हैं कार वगैरह चलाने में, तो नोवाइस, टायरो, ग्रीन हॉर्न और नए रे हो जाएगा, नए रे। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, तो ये क्या हो जाएगा, वेटेरन।
तो इसको कैसे याद रखें? अब देखिए, वेटरन से एक वेटर था, वो रन कर करके काम करता था, उसे बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट मित्रों, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, यानी एकदम से कमाया हुआ पैसा। तो पर वेन्यू, यानी वो पर जो वेन्यू वगैरह था उसकी पूरी ध्यान रखता था, और इसका पर वेन्यू का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से भी कमाया हुआ पैसा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो मतलब धर्म को त्याग दिया, तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति था वो क्या दूसरे स्टेट में चला गया अपने धर्म को त्यागने, तो क्या हो जाएगा? एपोस्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, वन हु इज 100 ईयर्स, तो सेंट मतलब होता है 100, तो सेंटेनेरियन हो जाएगा आराम से। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी एक तरह से कह सकते हैं दूसरों का एक तरह से साहित्य चुराना। अब जब साहित्य वगैरह चुराएगा तो वो हर चीज़ के वहाँ पे प्लग निकाल देगा, प्लग निकाल के सब कुछ साहित्य चुरा लेगा, तो इससे क्या हो जाएगा? प्लेगियरिज्म हो जाएगा। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, यानी जैसे ना खुशी का आभास हो ना दर्द का आभास हो, अब वो एक कोई चीज़ को स्टॉक कर करके बार बार रखा रहा था, तो ना उसे खुशी मिल रही थी और ना उसे दर्द मिल रहा था। नेक्स्ट मित्रों, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो क्या हो जाएगा? ट्रैम्प। ट्रैम्प से आप याद रख सकते हैं ट्रम्प से, तो ट्रैम्प से क्या हो जाएगा? ट्रम्प, जो जगह जगह घूमता है। ए जॉब विदाउट सैलरी, अब देखियो अपने काम के लिए वो एक ऑनर था, वो ऑनर था, वो बिना सैलरी के, यानी बिना सैलरी के क्या करता था? काम करता था, तो ऑनरेरी हो जाएगा। मित्रों मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा याद हो चुका है, जितने भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बटन में एक बेल आइकन होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।